thank mm -hmm. you अल्लाम वेलकम बैक टू द रॉयल दस्तर खान आज हम पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं सो so अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो लेट्स बिगेन विद अ वीडियो पालक पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ तीन बंडल्स पालक लिए हैं और 500 ग्राम पनीर लिए हैं यहाँ हमने पालक को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है अब हम यहाँ एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसे बॉईल कर ले जब तक उसमें स्टीम ना बन जाए जैसे ही उसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए हमें उसमें सॉल्ट और पाँच से छः हरी मिर्च ऐड करें यहाँ हमने सारे पालक ऐड कर लिए हैं अब हम इसे ब्लांच करने के लिए रख देंगे हमें इसे बॉईल नहीं करना है हमें सिर्फ इसे ब्लांच करना है वो भी कुछ मिनट्स के लिए जब तक ये हो रहा है हम आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ हमने दो टमाटर दो प्याज पंद्रह से बीस लहसुन लिया, दो हरी मिर्च हाफ इंच अदरक लिया है एक कढ़ाई में ऑयल डाल के सारे सब्जियों को सॉटे कर लें दूसरी साइड पे हम अपना पालक चेक कर लेते हैं ये ब्लांच हो चुका है बस हमें इसे जल्द से जल्द स्ट्रेन कर देना है इसका पानी पूरा निकाल देना सो हियर इज़ अ कुकिंग टिप अगर आप चाहते हैं आपका पालक पनीर हरा भरा दिखे बिल्कुल हरा तो आप उसे ठंडे पानी में चिल्ड वाटर में डाल दें जिससे कि उसका जो कलर है वो प्रिजर्व हो जाएगा यहाँ हमारी सब्जियाँ ट्रांसलूसेंट हो चुकी है अब हमें इसे ठंडा करके इसे ग्राइंड करके फाइन स्मूथ पेस्ट बना देना है अब हमें पालक का भी फाइन पेस्ट तैयार कर देना है यहाँ हमने दोनों पेस्ट तैयार कर लिया है अब हम यहाँ पर अपना मेन स्टेप स्टार्ट करते हैं यहाँ हमने फोर टेबल स्पून ऑइल वन स्पून बटर और जीरा उसमें सॉटे कर लिया हमारे टमाटो अनियन का प्यूरी हम इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल ऊज आउट ना हो जाए यहाँ हमने मसालों में एक चम्मच रेड चिली पाउडर चम्मच अक्खा धनिया पाउडर नमक स्वादानुसार एक चौथाई हल्दी वन स्पून ज़ीरा अब हमें सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसे जब तक भुनना है पेस्ट के साथ जब तक ये अच्छी तरीके से इसका तेल ऊपर ना आ जाए आप देख सकते हैं तेल सरफेस पे आ चुका है अब हमें इस स्टेज पे पालक की प्यूरी ऐड कर देना है अब हमें इसे मसालों के साथ अच्छी तरीके से पंद्रह मिनट तक ढक के कुक करना है जब तक हमारा पालक कुक हो रहा है हम तब तक अपने आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ पनीर फ्राई कर लेते हैं यहाँ हमने पाँच सौ ग्राम पनीर लिया है हमारे पनीर रेडी हैं। यहाँ हमारा पालक कुक हो चुका है इसे अच्छे तरीके से चेक कर ले नीचे तले में चिपक ना गया हो अब हम अब हम इसमें वन स्पून गरम मसाला एंड टू स्पून दही ऐड कर देते हैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दे अब हम फाइनली अपने पनीर ऐड करते हैं जो कि हमने फ्राई करके कर कर रखे अच्छे तरीके से मिक्स करें सो नाउ और पालक पनीर इज़ रेडी टू सर्व को ये सिंपल पालक पनीर की रेसिपी पसंद आएगी डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू स्टे सेफ स्टे हैप्पी